इजी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है एक मल्टी यूज़ ग्रेवी, जिसे बनाकर आप 50 प्लस डिशेस में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए लिया है मैंने हाइब्रिड टमाटर 1 kg, देसी टमाटर 1/2 kg और 2 शिमला मिर्च। टमाटरों को इस तरीके से मैंने पीसेस में काट लिया है और ये शिमला मिर्च भी मैंने कट कर लिया है और साथ ही इसके सीड्स भी निकाल दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। कढ़ाई में मैंने 2 tablespoons के करीब ऑयल डाला है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। फ्लेम अभी हमने स्लो ही रखी हुई है और साथ ही इसमें मैं खड़े गरम मसाले यूज़ कर रही हूँ। तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी। इन सबको हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है और भूनते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, लौंग जो है वो चटकती है तो वो कहीं आपके हाथ पर ना आ जाए, तो इसलिए बी केयरफुल। साथ ही हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे, क्योंकि इस रेसिपी में हम प्याज लहसुन किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड करी है, जिससे कि उसमें एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसको हमने थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनना है। साथ ही हम अब इसमें ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च भी हमने तेज वाली नहीं ली है और इसमें हमने अब ये टमाटर ऐड कर देने हैं। और इनको एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और ये मैंने 6 से 7 बड़ी कश्मीरी लाल मिर्च भिगो के रख दी थी, इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जो कि इस ग्रेवी को एक बहुत ही अच्छा कलर भी देंगी। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच साबुत धनिया और ये मैं हरी धनिया की स्टेम्स यूज़ कर रही हूँ इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए, क्योंकि स्टेम्स में जो है ना वो बहुत एक क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, इसलिए इसमें स्टेम्स का यूज़ किया है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ काजू ग्रेवी को थिक करने के लिए। हमने 2 तरह के टमाटर इसमें इसलिए यूज़ किए हैं क्योंकि हाइब्रिड टमाटर जो है वो इसमें पल्प बहुत ज़्यादा होता है और देसी टमाटर थोड़े खट्टे होते हैं, तो इस चीज़ को वो बैलेंस करेगा। साथ ही मैंने इसमें 2 छोटे चम्मच नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसको ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटरों को गलाना ज़रूरी है, तो इसे आप तब तक पकाएं जब तक कि ये सारे टमाटर और सब सब्जियां जो इसमें डाली हैं वो अच्छे तरीके से गल ना जाए। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। सारी चीज़ों को मिक्स करके हम दोबारा से इसे ढककर रख देंगे पकने के लिए। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए गल चुके हैं हमारे सारे टमाटर और हम इसमें से जो खड़े गरम मसाले हमने डाले थे वो इसको इसमें से निकाल लेंगे। अब हमें इसे ग्रेवी को पीसना है। ये ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसे पीस लेते हैं। और ये देखिए हमारी ग्रेवी पीस के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल बारीक पीसना है इसी तरीके से, इसमें कोई टमाटर के पीसेस वगैरह नहीं रहने चाहिए। और ये अब कढ़ाई में मैंने दोबारा से 4 tablespoons ऑयल डाला है। गैस हमने लो फ्लेम पर ही रखी हुई है और इसमें मैंने अब हींग पाउडर डाला है और ये 4 चम्मच के करीब हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है इसमें मैंने और ये 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हल्दी पाउडर और अब ये जीरा पाउडर डाला है, कच्चा जीरा पाउडर डाला है। फ्लेम स्लो ही रखिएगा। थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये मसाले जल ना जाए और हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल बिल्कुल सेपरेट ना हो जाए। ये सारी चीज़ें ऐसे ही करिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। एक बार आपको लगेगा कि ज़रूर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आप इसे बना के रख लेंगे तो और बाद में आपको इतना इजी हो जाएगा कि कोई भी रेसिपी बनानी है तो आप फटाफट बस ग्रेवी यूज़ करेंगे और रेसिपी आपकी बन के तैयार हो जाएगी। अब हमने इसमें जो हमने पहले से पीस के ग्रेवी रख ली थी वो उसको ऐड कर देंगे।
अब ग्रेवी डालने के बाद जब ये पकनी शुरू हो जाएगी तो भी थोड़ा सा इसको आप ध्यान से चलाइएगा, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा इसमें बॉइलिंग हो जाती है तो वो छींटे आपके ऊपर आने का डर रहता है। सारी ग्रेवी हमने इसमें डाल दिया। अब इस बर्तन को हमने थोड़ा सा धो के जो उसमें ग्रेवी लगी हुई थी उसमें मिक्स करके पानी इसमें डाल दिया है। अब इसे हमने पकाना है तब तक जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए इसमें छींटे आ रहे हैं तो मैं इसको ढक कर ही इसको चला रही हूँ, तो आप भी ऐसे ही थोड़ा सा केयरफुली काम करिएगा। ये देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है, बट अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है जब तक कि इस मसाले में अच्छे से जाली सी ना बन जाए, तब तक कि हमें इसे पकाना है। थोड़ी सी हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें सारे मसाले डाले हैं, तो उन सबको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड करी है। थोड़ी देर और ढककर इसे पकाएंगे और ये देखिए अब ये बिल्कुल इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये मसाले में भी एक जाली सी बनने लगी है। जब तक ये इतनी स्टेज तक ना आ जाए तब तक आपको इसको पकाना है। अब इसे कैसे यूज़ करना है कि जब आप इसे किसी भी बर्तन में निकाल के रखेंगे तो ये ऑयल जो आपको साइड में कर लेना है, जब आप ग्रेवी यूज़ करें ऑयल साइड में करके तब ये ग्रेवी आपको अपनी रेसिपी बनाने के लिए यूज़ करनी है, और फिर से ऑयल को उसके ऊपर कवर कर देना है। साथ ही इसमें कभी भी कोई गीली चम्मच का आप यूज़ ना करें, तो ये आपकी ग्रेवी जो है एक हफ्ते से लेकर 10 दिन तक आराम से फ्रिज में चल जाएगी। तो चलिए इससे अब एक डिश बनाकर देख लेते हैं। कढ़ाई में मैंने मक्खन डाल दिया है थोड़ा सा। इससे मैं बना रही हूँ अभी शाही पनीर, और देखिएगा कि कितनी जल्दी ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। 2 लैडर के करीब मैंने इसमें ग्रेवी डाल दी है, और देखिए मैंने इसमें और कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं की है। ग्रेवी क्योंकि थोड़ी थिक लग रही है इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। आप जितना भी चाहें अपने हिसाब से ग्रेवी को थिक या उसको पतला कर सकते हैं। साथ ही इसमें फ्लेवर के लिए मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें क्रीम डाली है। अब हम इसमें पनीर के कटे हुए पीसेज ऐड कर देंगे और बस 5 मिनट के लिए अब हम इसे पकाएंगे। नमक डाल देंगे अपनी सब्जी के अकॉर्डिंगली। गैस की फ्लेम अब मैंने थोड़ी सी तेज कर दी है और ये देखिए पकनी शुरू हो चुकी है, और ये लीजिए हमारी 5 मिनट में शाही पनीर बनके रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।